हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोटक सिक्योरिटी के अंदर अगर आपने अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं क्योंकि कोटक सिक्योरिटी के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सारे सेगमेंट में ब्रोकरेज चार्ज जीरो है। और मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, पूरा रिव्यू किया है कोटक सिक्योरिटी के बारे में, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, वैसे तो आपने कर लिया है, ये मैं बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ, फिर भी नॉलेज पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको करना है, अभी तक बाई चांस आपने नहीं किया है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर अगर आपने अपना FNO सेगमेंट एक्टिवेट नहीं किया था, अब आप डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं और आपको ज़रूरत है कोटक सिक्योरिटी के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने की, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। क्योंकि जब मैंने भी इसमें अपना FNO एक्टिवेट करने का प्रोसेस किया था तो इसमें प्रॉब्लम आई थी, डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं हो रहा था। आज की इस वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने वाला हूँ। अगर आपको FNO एक्टिवेट करने में आ रही है कोटक सिक्योरिटी के अंदर, तो ठीक है, ये वीडियो आपको बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि आपकी चीज़ें समझ आए। मैं अभी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं कोटक सिक्योरिटी का ऐप लॉगिन करूँगा। ठीक है, तो मैंने ऐप ओपन किया और अभी मैं इसमें लॉगिन हो जाऊँगा। तो दोस्तों, अभी मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ, आप भी लॉगिन हो जाएंगे। इस तरीके से इंटरफेस देखेंगे तो आपको क्या करना है, इधर नीचे कॉर्नर पर, ठीक है, मोर पर क्लिक करना है। जब आप मोर पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका नाम लिखा है और आगे प्रोफाइल के अंदर ले जा रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे एरो के निशान पर। इसके बाद ये प्रोफाइल सेटिंग आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी आपके बारे में पूरी, लेकिन यहाँ पर हाइड है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको FNO सेगमेंट एक्टिवेट करना है तो आप नीचे जाओगे, प्रोडक्ट एंड सेगमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे एक्टिव सेगमेंट के सामने, ये जो लिखा हुआ है एरो बना है उस पर, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप किसी पर भी क्लिक कर दीजिए। आप ये सोच रहे हैं कि मैं सारे करना चाहता हूँ तो सारे करने का भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो आपको कोई एक पर सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है एक दूसरी साइट पर जहाँ से हम अपना FNO सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल पूछ रहा है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो हम यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप क्या डॉक्यूमेंट सिलेक्ट अपलोड करना चाहते हैं FNO एक्टिवेट करने के लिए एज ए इनकम प्रूफ, बैंक की स्टेटमेंट लगा सकते हैं 6 महीने पुरानी, ठीक है, सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसमें कम से कम एक या फिर दो ट्रांजैक्शन 6 महीने के अंदर, ठीक है, 10,000 का होना चाहिए अगर आप स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो कि सैलरी स्लिप लगा रहे हैं, ठीक है, तब भी 10,000 रुपये अगर आपको सैलरी मिलती है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और बैंक स्टेटमेंट में लगाने वाला हूँ, तो मैंने बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक किया। अब दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, या तो बैंक स्टेटमेंट का साइज 1 MB से ज़्यादा होता है या फिर उस पर पासवर्ड डला होता है, तो पासवर्ड वाला स्टेटमेंट आपको नहीं लगाना है। अगर डला हुआ है पासवर्ड तो पहले उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, तो पासवर्ड उसका हट जाएगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इंटरनेट से अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो उसका नाम अटपटासा होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी ऑब्लिक लगा रहती हैं, स्पेस रहता है, ठीक है, उल्टे सीधे नंबर रहते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं चलती है। ये बता देता है कि स्पेशल कैरेक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, तो आपको क्या करना है, उसका नाम चेंज कर लेना है, ठीक है। नाम चेंज करने के बाद अपलोड पर क्लिक करना है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मैंने भी इसका नाम चेंज कर लिया है, फिर मैंने इसको दो बार डाउनलोड किया हुआ है। मैं कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्यू डॉक्यूमेंट लिख के आ जाएगा तो समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, ठीक है, इधर ये लिखा हुआ है ना, व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सारे सेगमेंट आ रहे हैं, आप किस किस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर सारे पर लगा देता हूँ राइट। इसके बाद ये जो बॉक्स आ रहा है इस पर भी मैं लगा दूंगा राइट, क्योंकि इस पर राइट लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है।
तो लगभग लगभग अभी आपका काम हो चुका है, लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो है कि डॉक्यूमेंट का अपलोड सही से ना हो पाना। तो वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये सेगमेंट आ रहा है, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये रिस्क डिस्क्लोजर पढ़ना कंपलसरी है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर रिस्क का पता रहे। खैर जो भी है, हम यहाँ पर अकनोलेज्ड एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अकनोलेज एंड कन्फर्म पर क्लिक किया तो हमारी एक क्वेरी आईडी यहाँ पर आ गई है, हम इस पर ओके कर देंगे। और अभी इसमें कुछ, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर ले जाता है। तो देखो इसमें ऐसा लग रहा था कि रिजेक्शन आएगी, लेकिन फिर ये सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। तो देखो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट सेगमेंट एक्टिवेशन हैज़ बीन सबमिटेड, मतलब कि सबमिट कर दी है। प्लीज बी अवेयर दैट सेगमेंट एक्टिवेशन डिपेंडिंग ऑन रिसीविंग एन एक्सचेंज कन्फर्मेशन, मतलब कि एक्सचेंज द्वारा ब्रोकर को कन्फर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ट्रेड करने लगेंगे। और बिच में टेक अप, मतलब कि इसमें 48 से लेकर 72 घंटे तक का टाइम लग सकता है। यू विल रिसीव अपडेट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद इन 24 आवर्स ऑफ द एक्सचेंज कन्फर्मेशन, जब एक्सचेंज से कन्फर्मेशन आ जाएगा उसके बाद 24 घंटे के अंदर ये आपको मेल के थ्रू बता देंगे कि आपका FNO सेगमेंट एक्टिवेट हो चुका है। और बाई चांस मान लीजिए कि अगर आपने जो स्टेटमेंट अपलोड किया है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें कुछ मिस्टेक है, ट्रांजैक्शन वगैरह या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फिलफिल नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से आप शुरू से प्रोसेस कर सकती हैं। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि आप शुरू से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फिर यही पेज आपके सामने फ्रेश रहेगा और आप दोबारा से प्रोसेस कर सकते हैं।